यार एक बार ना मेरी गाड़ी से एक बूढ़े अंकल ठोक गए थे और गाड़ी चल भी नहीं रही थी। मैं मतलब बहुत टैलेंटेड हूँ, खड़ी गाड़ी में बूढ़े ठोक देता हूँ। मतलब क्या हुआ था, मैंने ना गाड़ी का दरवाज़ा पीछे देखे बिना खोल दिया और पीछे से अंकल हायाबूसा की स्पीड पे अपनी एक्टिवा पे आ रहे थे और ड्रुंग था। अब एक होता है ठा, नहीं अंकल ने लिया लीप ऑफ फेथ, मतलब वो हवा में इतना लंबा उड़े कि मैंने खुद को जेल के कपड़ों में देख लिया। मेरे हाथ में कटोरा है, मैं दाल के लिए रो रहा हूँ, दाल दे दो, दाल दे दो, दाल दे दो। मेरी सॉफ्ट स्किन देखे ना, जेल के अंदर के सब लोगों का मोलेस्टर जाग गया है ना, सब मेरे साथ ही नहाने जा रहे हैं। एक दिन जेलर भी आ गया, मैंने सुना कोई चिकना लड़का है, है? मैंने ये सब देखा, फिर अंकल गिरे। और हमारे देश की अनएम्प्लॉयमेंट की हद देखो, 10 सेकंड में वहां 15 लोग इकट्ठे हो गए। मैं कहा तुम क्या कर रहे थे अभी से पहले यार, मतलब। और उनका बस एक ही इंटेंशन था, हम मार देंगे, हम पीट देंगे, हम तो पीटने आए भाई साहब। नहीं अंकल को तो एम्बुलेंस चाहती, हम तो लौंडे पीटेंगे भाई, हैं ऐसे कैसे यंग कॉन्फिडेंटली घूमते रहते हैं हर जगह, हम तो मार देंगे, हम तो मार देंगे। एक बंदा इतना वेला, वो चलती बाइक से हेलमेट समेत उतर गया, लाइक लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है। एक सेकेंड, हेलो मैडम, डिलीवरी नहीं कर पाऊंगा आज। हाँ भाई, किसको मारना है? इतना केओस हो रखा है, किसी को पता ही नहीं अंकल को लगी क्या, सब अपनी अजम्पशंस के साथ आ रहे हैं। एक को लगा अंकल की याददाश्त चली गई, अरे अंकल नाम क्या है आपका? कह रहे यहाँ लगी है मेरे, यहाँ आपके वहां लगी लगता है। और याददाश्त गई, बहरी एक्टिंग क्यों कर रहा है मेरे सामने? तो अंकल के हाथ पे लगी थी, कहीं से एक बंदा पेड़ का पत्ता ढूंढ के लाया अंकल की चोट साफ करने के लिए, जबरदस्ती किया जा रहा, अंकल 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 कह रहे नहीं चाहिए। तो उससे पहले अंकल का खून नहीं निकल रहा था, उसके बाद लहरें बह रही हैं यहाँ से, और मैं खड़े होकर देख रहा हूँ कि ये सब का इल्जाम भी मुझ पे आने वाला है। तो मॉब होगी, तुम हॉस्टाइल हो गए, एकदम कॉलर वाला पकड़ लिया मेरा। तो मैं ना तब ताज़ा ताज़ा 18 साल का हुआ था, मतलब मैं इतना वीक था, मेरे माथे पे थप्पड़ मारो बेहोश हो जाता है, ठीक है। तो मैं तो एकदम सरेंडर कर दिया, मैं अंकल सॉरी अंकल, मेरी कोई गलती नहीं अंकल, अंकल प्लीज गलती से हो गया अंकल, आपको क्या चाहिए क्या चाहिए, बोलो, माउट टू माउथ, माउट टू माउथ दे दूंगा। तो मॉब भी सोचती लड़ाई तो रोज देखते हैं, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, लाइक माउट टू माउथ, माउट टू माउथ, माउट टू माउथ। तो अंकल की थोड़ी माउट टू माउथ कहां से आ गया यार, नहीं 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 बेटे, आप मेरे सन की तरह फादर सन में माउट टू माउथ थोड़ी ना होते हैं, चोट लगी नहीं, चाट लिया मैंने, कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ देखो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ। कह रहे बेटे मुझे यहाँ से ले चलो बस। तो मैं अंकल को अपनी गाड़ी में उठाया और रमजान जा रहे थे, मैं जेन्युइनली अपोलोजाइज किया क्योंकि मुझसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था यार मुझे, अंकल सॉरी यार गलती से हो गया। कह रहे बेटे मुझे पता है आप मुझको माउट टू माउथ देने के लिए तैयार हो गए, सगे बेटे ज़्यादा प्यार आ रहा है आप पे मुझे। तो मैंने अंकल को उनके घर पे छोड़ा, अब वो दरवाजा उतर रहे थे, उन्होंने पीछे देखा नहीं, बाई पे कोई और था, वो ठुक गया। तो अब एक नया क्राउड आके अंकल की मार रहे, बुढ़े बड़े आराम में होते, जवान लौटा ठोक दिया, अरे बता अंकल माउट टू माउथ, माउट टू माउथ। दैट्स व्हाट आई एम गाइस, माय नेम इज गाइस, थैंक यू सो मच।